बिसमिल्ल हर सदरवीं सदी की महजब और तहजीब याफ्ता मुस्लम दुनिया के मुकाबले में जदीद अमरीका इंसानी तारीख के इस बदलते हुए मोड़ और तहजीबी तरक्की के अरूज में अभी गुलामों की तजारत का आगाज कर रहा था अगस्त 1619 ईस्वी के उस खुशगवार दिन जब जेम्स टाउन वर्जीना के बाजार में अंगोला से 20 सिया फार्म को लाकर बेचा गया उस दिन से ये इंसानी तजारत अमेरिका में सरकारी सरपरस्ती में फलने फूलने लगी इससे पहले बरेम अमेरिका में यूरोप से भाग कर आने वाले जराइम पेशा गोरों की अक्सरियत आबाद थी और वो अमेरिका में मौजूद मुकामी रेड इंडियन अफराद से गुलामी का काम लेते थे ये वो मुकामी रेड इंडियन थे जो इस खत्े में अमन से रह रहे थे अचानक 12 अक्टूबर चौदह सौ बानवे ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज अमेरिका के साहिलों पर उतरा और यूरोपी अकवाम के लुटेरों डाकुओं कातलों चोरों और जराम पेशा अफराद ने यहाँ आकर आबाद होना शुरू कर दिया बेचारे मकामी रेड इंडियन का पहला कत्लेम टेकाओ के इलाके में हुआ जहाँ पर आबाद पूरा कबीला ओटोमी बच्चों बूढ़ों और औरतों समेत कत्ल कर दिया गया यूं इलाक़ों पर इलाके फतेह होते रहे और कबीलों पर कबीले सफ़ाई हस्ती से मिटते रहे आखिरी कत्लेआम 19 जनवरी 1911 को नोएडा की रियासत में हुआ आज भी पूरे अमेरिका में रेड इंडियन मुकामी अफराद की 500 से ज्यादा आबादियां हैं जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता है इन आबादियों में ये कबाइल सदियों पुरानी जिंदगी में रहते हुए नजर आते हैं सोलहवीं सदी का अमेरिका रेड इंडियन के कत्ले आम और नसलकशी का अमेरिका था तकरीबन 11 करोड़ मकामी अफराद कत्ल किए गए जिस शख्स को इंसानी तारीख का अजीम सयाह और हीरो बनाकर पेश किया जाता है और जिस को लंबस की तस्वीर बच्चों के नसाब की किताबों में लगाई जाती है इस अकेले शख्स की क्यादत में पाँच लाख रेड इंडियन मकामी अफराद कत्ल किए गए मकामी आबादी का कतलेआम और गुलामों की तजारत चार सौ साल तक साथ, साथ चलती रही इसी दौरान ढाई सौ साल कबल सत्रह सौ सतर ईस्वी में अमरीकी जमूरी और आयनी हुकूमत भी कायम हुई और जार्ज वाशिंगटन पहले जमूरी सदर भी बने जो जमहूरियत और सियाफाम इंसानों की गुलामी और तजारत हाथ में हाथ डाले परवान चढ़ते रहे ग़ुलामों की जिस तजारत का आगाज सोलह सौ उन्नीस ईस्वी में हुआ था उनकी आबादी चंद सालों में इस कदर बढ़ गई कि उनको काबू में रखने के लिए कानून बनाए जाने लगे सबसे पहला कानून सोलह सौ इकसठ ईस्वी में बनाया गया जिसके तहत कोई काला गोरे से या गोरा काले से शादी नहीं कर सकता ये कानून इक्कीस रियासतों में फ़ौर लागू हो गया आपको हैरत होगी कि आखिरी रियात अलबामा है जिसमें एक नस्ल से दूसरी नस्ल की शादी पर पाबंदी का कानून सिर्फ 20 साल पहले यानी 2000 में ख़त्म किया गया इस दौरान अमेरिका के आयन की वो दफात जो सत्रह सौ सतर के ऐलान आज़ादी में तमाम इंसानों के बराबर होने का दावा करती हैं मुस्तक नाफज रही आयन का हिस्सा थी और अमेरिका इंसानी हकूक के नाम पर पूरी दुनिया में दाड़ता भी रहा इन बेचारे अफ्रीकी सियाफाम गुलामों का अमेरिका के साहिलों तक का सफर भी दर्दनाक और अलमनाक कहानियों से इबारत है स्पेन पुर्तगाल फ्रांस इंग्लैंड और दीगर ममालिक से इंसानों के ताजर अफ्रीका के इलाकों में नहत्ते सियाफ़ाम फाम अफराद को अगवा करते कभी तो गड़े खोद कर उन्हें टहनियों से डांपते किस्मत के मारे इनमें गिर जाते तो उन्हें जंजीर में जकड़ कर बाहर निकाला जाता साहिल समंदर के पास बड़े बड़े अड्डे बनाए गए थे जिनमें एक कमरों की कतार में मर्दों को रखा जाता दूसरे में औरतों और, और तीसरी कतार के कमरों में बच्चों को छोड़ दिया जाता तीनों कमरे पिंजरों की तरह आमने सामने होते बच्चे भूख और तन्हाई से रोते बिलकते और वालदेन अपनी आँखों के सामने बेबसी से उन्हें देखते रहते औरतों से जिनसी ज्यादी होती मर्दों पर शदीद तशद किया जाता और यह तमाशा एक दूसरे के रूबरू होता यूं इनको कई साल ऐसी हालत में रखकर यह एहसास दिलाया जाता कि यही तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा मुकद्दर है इसके बाद उन्हें बहरी जहाज़ों के ऐसे केबनों में ठोंसा जाता जिनकी छत सिर्फ ढाई फुट ऊंची होती खौफ बीमारी घुटन और तकलीफ से जो मर जाता उसे समंदर की लहरों के सपर्द कर दिया जाता सिर्फ पच्चीस फीसद गुलाम ही अमरीका के साहिलों तक पहुँच पाते जो खुद को खुशकस्मत तस्वर करते कि आजाद फजा में सांस ले रहे हैं यह अलग बात है कि इनकी बाकी पूरी जिंदगी कपास तंबाकू और गन्ने के खेतों में गुलामी करते गुजर जाती ग़ुलामों की तादाद बढ़ाने के लिए औरतों को गाय बैंसू की तरह जिनसी अख्तलात पर मजबूर किया जाता ताकि वह हर साल एक नए गुलाम को जन्म दे इस फेल के बाद मर्दों को अलहदा कर दिया जाता और औरतें एक जानवरों के गले की तरह बच्चे पालती औरतें दोहरा बोझ उठाती कंपनी और घरों में काम के अलावा बच्चे भी पालती एक साथ रेवड़ की तरह जवान होने वाले बच्चों को बेड़ बकरियों की तरह गुलामों की मंडियों में बेच दिया जाता जमुरियत की सबसे बड़ी अलामत अमरीकी कांग्रेस ने सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में एक कानून प्रोगेटिव स्लेव एक्ट पास किया जिसके तहत किसी गुलाम को भगाना या फरार कराने में मदद देना एक जुर्म करार दिया गया ये कानून इसलिए मंजूर किया गया था क्योंकि सियाफाम गुलामों में बगावत की चिंगारियां सुलगने लगी थी इस बगावत का पहला अलम्बरदार नाट टर्नर था जिसकी माँ एक अफ्रीकी गुलाम औरत थी जिसे गोरू ने ज्यादती का निशाना बनाया था अपनी माँ से मुहबत और नामालूम बाप से नफरत ने उसे पागल बना दिया था तो हर वक्त सियाफ़ाम फाम अफ्रीकियों की आज़ादी के ख्वाब देखता रहता एक दिन अठारह सौ इकतीस ईस्वी में उसने सूरज गिरन देखा उसे एक इनकलाब अलामत समझा इसने अपने चंद साथियों समेत अपने मालिक के ख़ानदान ट्रियोस फैमिली को कत्ल कर दिया वर्जीना रियासत के छोटे से शहर योशलम की तरफ चल पड़ा इसके साथ पचहत्तर के करीब सयाह फाम गुलाम इकट्ठे हो गए जिन्होंने साठ गोरों को कत्ल कर दिया रियासत फौरी तौर पर एक्शन में आई बंदूकों बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असले से लैस मलेशिया ने इन्हें यूशलम शहर के बाहर घेर लिया नहत् गुलामों पर फायरिंग शुरू हुई सौ के करीब सियाफाम गुलाम और कुछ राहगीर मारे गए टर्नर वहाँ से बाग निकला छः हफ्तों तक जंगलों में मारा मारा फिरता रहा पकड़ा गया और मुकदमा चला और फिर इसे इबरत का निशान बनाने के लिए सरेआम फांसी दे दी गई याद रहे कि अठारह सौ इकतीस ईस्वी यानी सिर्फ एक सौ नब्बे साल पहले का वाक़ है कोई हजारों साल पहले की कहानी नहीं है इस वाक़े के तीस साल बाद अठारह सौ इकसठ की बहार में अमेरिका की रियासतों में इस्लामी के हक और ख़िलाफ़ आपस में एक बड़ी जंग का आगाज़ हुआ इब्राहम लंकन अमेरिकन सदर मुंतब हुआ तो उसका नारा अमेरिका से गुलामी और गुलामों की तजारत का खात्मा था पूरा अमेरिका दो दड़ों में तकसीम हो गया जनूबी रियासतें जहाँ खेती बाड़ी आम थी वो गुलामी के हक में खड़ी हो गई और शुमाली रियासतें गलामी के खिलाफ बारह अप्रैल अठारह सौ इकसठ ईस्वी से नौ मई अठारह सौ पैंसठ ईस्वी तक चार साल तक जंग चली एक अंदाज़े के मुताबिक तीन लाख पैंसठ हज़ार अफराद मारे गए जिनमें अस्सी हज़ार सिया फाम गलाम और पचास हज़ार आज़ाद शहरी भी शामिल थे इस जंग के नतीजे में अमरीका से कानूनी तौर पर गुलामी का खात्मा तो हो गया लेकिन गुजशत डेढ़ सौ साल से सिया फाम अफराद से नफ़रत की आग अमरीकी माशरत तहजीब और ज़िंदगी के दीर मामलों में मुसलसल सुलग रही है और हर चंद साल बाद किसी सिया फाम की मौत की सूरत रोनमा होती रहती है ठीक 140 साल बाद अमरीकी जमूरी इलेक्शनों में पचहत्तर फीसद गोरी अक्सरियत ने डोनल्ड ट्रंप को वोट देकर एक बार फिर अमेरिका को उसी तरह फतेह कर लिया जैसे चौदह सौ ईस्वी में कोलंबस की सरबराही में फ़तेह किया था फ़र्क सिर्फ ये है उस वक्त बंदूक इस्तेमाल होती थी और इस दफा वोट अल्लाह रबुल्जत और यह मकबूल जान का साया हम पर तदेर कायम रखे आमीन सो आमीन